So friends, what we learned yesterday, we are going to continue ahead from there. हम लोग उसके आगे continue करने वाले हैं चीजों को। कल हमने सीखा कि what are the things that are recorded in a trial balance? Trial balance ये starting point क्यों है? हम लोगों ने पहले समझने का कोशिश किया कि transaction सबसे पहला record होता है books of accounts में। फिर उससे हम लोग जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, फिर वो जर्नल लेजर से हम लोग आगे चल के ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस से अभी हम लोग क्या क्या देता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो हम लोगों ने एनालाइज किया कि डेबिट बैलेंस में क्या होता है, ड्रॉइंग्स रहता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहता है, एसेट्स रहता है। फिर हर एक को हमने क्लासीफाई किया, क्रेडिट बैलेंस उसमें क्या होता है, ये हमने समझ के लिया। आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। कल मैंने सिखाते सिखाते आपको एक सिंपल भाजी वाले का एग्जाम्पल दिया था। कितने लोगों को क्या क्या याद है मेरे को चेक करना है। मेरे को बताओ, भाजी वाले ने कितने रुपए का भाजी खरीद के लाया सुबह सुबह? 10,000 रुपए का। वेरी गुड सिद्धांत गुप्ता, वेरी नाइस। एवरीवन गिव योर 100% पार्टिसिपेशन। इफ यू रिपीट द आंसर्स आल्सो, दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। फिर उसके बाद उसने ट्रांसपोर्टेशन और वेजेस दोनों के लिए कितना रुपया खर्चा किया? किसी का माइक चालू है, प्लीज बंद रखना उसको। तरंग चौहान, सॉरी सर, थैंक यू। यस, 2,500 रुपए का उसने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, बरोबर है? ये जो वो खरीदी करते वक्त पैसा खर्चा करता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर मैंने आपको ये भी बोला कि दुकान में आने के बाद उसके पास एक लड़का काम पर है, एक इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब रखा है, टेलीफोन वापरता है, चाय नाश्ता करता है, 500 रुपया उसके लिए खर्चा करता है। तो वो सारा सामान शाम को 8, 9, 10 बजे तक वो 25,000 रुपए में बेच देता है। तो 25,000 में से पहले अपन ने डायरेक्ट खर्चा माइनस किया था, परचेजेस और डायरेक्ट खर्चा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को मिला था 12,500, जिसको हमने बोला ग्रॉस प्रॉफिट। वेरी गुड, ग्रॉस प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट। उसमें से 500 रुपया इधर उधर का खर्चा माइनस किया, इसको हम लोगों ने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला था। और उसके बाद जो बचता है उसको बोला नेट प्रॉफिट। तो मेरे दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये हमारे फाइनल अकाउंट्स में काम में आता है। तो इफ वी टॉक अबाउट फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इफ वी टॉक अबाउट फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, तो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स द फॉलोइंग। एक ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, उस अकाउंट को बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। लक्षा दिया, शब्द है ट्रेडिंग। ट्रेड यानी सामान खरीदना बेचना। तो जो सामान खरीदने बेचने डायरेक्ट चीजों से मैटर करता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट, नेट लॉस से रिलेट करता है। पार्टनर्स का आपस का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए हम कभी-कभी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कभी-कभी करंट अकाउंट। आज टाइम मिला तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, नहीं तो कल के लेक्चर में हम लोग कैपिटल और करंट अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। सवाल उठता है, सर क्यों करने का, क्यों? हर चीज के पीछे कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे दोस्तों। जब तक अपने को कारण मालूम नहीं रहता है ना, वो काम करने में मजा नहीं आता। और अगर आपको एक चीज मैं बताऊं, कारण मालूम पड़ेगा ना, वो काम आप फास्ट करोगे। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। ऐसा आप में से कई सारे लोगों के साथ हुआ रहेगा कि आप
मम्मी डैडी के साथ कोई फंक्शन में गए रहोगे, वहां पर आपके गांव के बुजुर्ग लोग वगैरह आए रहेंगे, तो मम्मी डैडी हमेशा बोलते हैं यहाँ सा पाए पढ़, यहाँ सा पाए पढ़, इसका पैर पढ़ो, उनका पैर पढ़ो। आप पूछते हो पशाला, मैं तो जानता भी नहीं है लोगों को, मैं कहूँ पैर पढ़ने का? नहीं नहीं पैर पढ़ने का अपने में रिवाज है। तुमको गुस्सा आता है, तुमको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी तुम मन मार के करते हो। आज मैं तुमको एक सीक्रेट बताता हूँ, कल से तुम है ना खुशी खुशी सबका पैर पढ़ोगे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ कारण सुनो, समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। ये बॉडी जो है ना अपना ह्यूमन बॉडी, दिस इज फुल ऑफ एनर्जी, इट इज फुल ऑफ एनर्जी। और ऐसा बोला जाता है कि है ना हाथ से एनर्जी आता है, हाथ से एनर्जी आता है, पैरों से एनर्जी जाता है। इसलिए याद करो, बचपन से आपने कितने तो भी बार गाली खाया है, आपने कोई चीज को लात मारा है तो बोला अरे पैर से मारता है क्या इसको? कारण नहीं बताया एनर्जी वाला, लेकिन गाली जरूर खाया आप लोगों ने, है ना? उसका कारण है तुम्हारे पैर से एनर्जी बाहर निकल जाता है बॉडी से। मेरे दोस्तों जब हम लोग किसी का पैर पढ़ते हैं, होता क्या है मालूम है क्या? पैर पढ़ना मतलब क्या, आप हाथ लगाते हो उनके पैरों को, तो आप एक्चुअली उनसे एनर्जी ले रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा किसका पैर पढ़ने बोलते? बड़े लोगों का, कभी छोटे लोगों का पैर पढ़ने नहीं बोलते। पैर किसका पढ़ने बोलते हैं? बड़े लोगों का। इसमें एक तो रेस्पेक्ट होता है, हम्बलनेस आता है, ठीक है, आप अपने आप को ज्यादा शाना नहीं समझते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वो बड़ा आदमी, बड़ा इन द सेंस एज में, वो लाइफ में कुछ भी करता रहेगा लेकिन बड़ा है, तो वो हम लोगों को एनर्जी पास ऑन करता है। फ्रेंड्स अगर आपको मैं बताऊं, ब्रिज बंगेरा, माय डियर फ्रेंड्स यू ऑल आर एट होम आई नो दैट, बट बीइंग इन 12th स्टैंडर्ड यू मस्ट कोऑपरेट फॉर वन थिंग, दैट ड्यूरिंग द लेक्चर यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब दैट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्या होता है, हर एक के घर पे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चालू रहता है, यहाँ पर उसको आने मत दो प्लीज, ठीक है? गलती से हो गया आई कैन अंडरस्टैंड, बट बी मोर केयरफुल, बी मोर रेस्पॉन्सिबल। तो दोस्तों आज मैंने बताया, मेरे को बताओ पैर पड़ने में आपका कुछ नुकसान है क्या? यस नो डोंट नो। बिंदास पैर पड़ने का अपने को फायदा ही है, मिलता ही है रे, जो मिलेगा मिलेगा, सोचो ही मत वो कौन है, बिंदास पैर पड़ो। कारण, कारण बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है मेरे दोस्तों। अच्छा ये चीज तुम लोग भी फॉलो करते हो, ये चीज तुम लोग भी फॉलो करते हो अनजाने में। अब मैं बोलता हूं, इमेजिन करो तुम स्कूल में थे, तुम कभी तो भी कॉलेज में थे या कहीं तो भी, गलती से तुम्हारा पैर सामने वाले को लग गया, गलती से तुम्हारा पैर सामने वाले को लग गया, बोलो तुम क्या करते थे? व्हाट वाज द नेक्स्ट एक्शन दैट यू डिड? आप है ना वो आदमी को हाथ लगाते थे और उसको बोलते थे सॉरी यार। बताता हूं, आपका पैर जैसे लगा, मैंने अब भी आपको सिखाया पैर से एनर्जी जाता है, तो आपका एनर्जी वो सामने वाले बंदे को गया, वैसे इमीडिएटली आपने उसको हाथ लगाया और अपना एनर्जी वापस ले लिया। इंटरेस्टिंग है ना? हाँ ये कोई सिखाता नहीं है दोस्तों, लेकिन ये फैक्ट है। कारण मालूम रहेगा ना, काम करने का मजा ही अलग है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने अदनान सामी नाम सुना है? अदनान सामी टाइबमी शायद किसी ने नहीं सुना। तो बॉलीवुड में ही इज अ सिंगर, जिंदा है, मरा नहीं है, ठीक है, एल्बम वगैरह में गाना गाता है। यस कभी तो भी देखना जाके, लिफ्ट करा दे करके उसका गाना बहुत फेमस है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे,
ऐसे वैसो को दिया है, कैसे कैसो को दिया है, मुझको भी तो लुप्त करा दे। हाँ वही गाना अदनान सामी नाम का एक सिंगर ने गाना गाया है। तो मेरे बात ध्यान से सुनना, ये अदनान सामी जो था ये 230 किलो था, 230 केजीस। कैन यू इमेजिन 230 केजीस, मेरे जैसे तीन लोग बैठेंगे उसमें, मैं 60 किलो का हूँ, चार लोग बैठेंगे। अब उसको दोस्त लोग बोलते थे, भाई तू बहुत जाड़ा है, बहुत जाड़ा है, कम हो जा नहीं तो तकलीफ होगी। वो बोलता है नहीं नहीं पब्लिक मेरे को ऐसा ही पसंद करता है, मैं जहां भी जाता हूँ लोग बोलते हैं वाह मस्त दिखते हो अदनान। एक दिन उसको ना चक्कर आ गया स्टूडियो में, गिर गया वो। डॉक्टर ने बोला भाई तू वजन कम नहीं किया तो 6 महीने में तू नहीं रहेगा, तेरा नामो निशान खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स उस दिन था और आज का दिन है, आज अदनान 72-73 केजीस का है, 167 केजीस लूज किया, क्योंकि उसके सामने उसने मौत को नजदीक से देखा। दोस्त लोग प्यार से बोल रहे थे सुना नहीं, लेकिन डॉक्टर ने बोला तू जाने वाला है, तो फिर कारण मिल गया वजन कम करने का, तो उसने वजन कम किया। यस करेंगे तो होगा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, गूगल बाबा जिंदाबाद है, जाके चेक करो मेरे लेक्चर के बाद, अदनान सामी बिफोर एंड आफ्टर, आपको मैं जो बोलूंगा 230 और 167 केजीज लॉस, 73 केजीज, ये सब आपको देखने मिलेगा। ऐसे एक नहीं कईयों एग्जांपल है, मैंने तो एक दिया आपको एग्जांपल। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इतना सब आदमी क्यों मेहनत करता है, क्यों ये ट्रेडिंग अकाउंट, क्यों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों ये बैलेंस शीट बनाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मकसद होगा। Objectives of preparing final accounts. आप मेरा लेक्चर आज सुन रहे हो, बोलो क्यों सुन रहे हो दोस्तों? Why are you listening to my lecture? शाम को 6 बजे इतना हसीन टाइम है, मस्त शाम का वक्त है, मस्त किधर घूमने को जा सकते, लेकिन आप यहाँ पर मेरे साथ टाइम बिता रहे हो, किसी और के साथ भी बिता सकते थे। To gain knowledge. Why do you want to gain knowledge? Why do you want to master BK? तो आपको अच्छा पढ़ाई करना है। अच्छा पढ़ाई क्यों करना है? अच्छा नौकरी करना है। अच्छा नौकरी क्यों करना है? क्योंकि शादी करना है। तुम्हारा एम है यार लाइफ का, पैसा कमाना है, बरोबर? तो इसीलिए आज आप यहां पर बैठे हो। मकसद क्लियर रहेगा ना तो पढ़ाई करने को कभी कंटाला नहीं आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिसके दिमाग के अंदर ये बत्ती जलता ही नहीं है, उसको लगता है काय त्रास देता था, आई वडील आणि शिक्षक लोग नुसता अभ्यास 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 बोलतात, मला नाही करायचं काय अभ्यास अभ्यास, क्योंकि उसको लाइट ही जला नहीं अभी तक। जिस दिन लाइट चलेगा उस दिन वो भागना चालू करेगा। सब लोगों की जिंदगी में अदनान सामी का एग्जाम्पल एप्लीकेबल है। जिस दिन डॉक्टर बोलेगा 6 महीने, अपने आप उठ के भागेगा, सुन अपने आप जो नहीं करता था सब करेगा। तो मेरे दोस्तों, जैसे आप पढ़ाई एग्जाम के लिए करते हो, बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुककीपिंग या प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स भी दो है, एक है टू नो द results of the transactions conducted during the year. साल भर वो जो transaction कर रहा है उसका result क्या? Result दो ही हो सकता है, जैसे student pass या fail, वैसे business में दो ही चीज हो सकता है, profit या loss. And second one is to know the financial position, आर्थिक परिस्थिति of the business on the last day of the year. Profit loss जानने के लिए वो trading profit and loss बनाता है, और financial position जानने के लिए वो balance sheet बनाता है। ये दोनों भी बातें क्या आप लोगों को clear हो गई कि हम लोग क्यों कर रहे हैं? सब लोगों को reasoning मालूम पड़ा क्या दोस्तों? Yes.
मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जो भी कर रहे हो उसका रीजन मालूम पड़ेगा तो वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। नाउ वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग बात करेंगे अभी ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो जैसे मैंने बताया, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग बिजनेस का ट्रेड से निकाला हुआ शब्द है ट्रेडिंग। पहला सवाल है व्हाई डू यू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। पहला सवाल है व्हाई डू यू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। जवाब बहुत सिंपल है, अ ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। यस, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है इन अ ट्रेडिंग अकाउंट? ऑल आइटम्स रिलेटेड टू गुड्स, सामान जो बिजनेस का सामान है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड। अब देखना, आपके जो लोगों ने दो चार लेक्चर अटेंड किया, तुम्हारा डाउट कितना इजीली क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट आइटम्स रिलेटेड टू गुड्स अकाउंट, याद रखना बुककीपिंग के दुनिया में गुड्स ये बहुत बड़ा खानदान है। गुड्स ये बहुत बड़ा खानदान है। इसके अंदर आइटम्स रिलेटेड टू गुड्स यानी क्या होता है, आपको बता दूं, गुड्स खरीदा तो उसको बोलते परचेज, गुड्स बेचा तो उसको बोलते सेल्स। खरीदा हुआ माल खराब था, डिफेक्टिव था, तो हम वापस करते हैं तो उसको बोलते परचेज रिटर्न। बेचा हुआ माल खराब निकला तो हम लोग बोलते सेल्स रिटर्न। साल के शुरुआत में जो दुकान में सामान पड़ा है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। साल के आखिर में जो पड़ा है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो गुड्स ये खानदान के ये छह अपने खुद के बच्चे हैं। कौन कौन है? परचेज सेल, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा इसके कुछ और रिश्तेदार हैं, एडॉप्टेड बच्चे लोग जो है, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स। लोग है ना, ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल सब भारी भारी है, बट यू कॉन्सेंट्रेट माई डियर फ्रेंड्स, नहीं तो हंसते रहोगे, क्या सिखाया भूल जाओगे। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, क्या क्या है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगा दुकान में सामान जल गया। या आपने सुना होगा बहुत सारे कंपनीज पहले आदत लगाने के लिए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ध्यान में आता है वो अभी अभी आपने देखा, 2 साल पहले जियो मार्केट में आने से पहले क्या किया जियो ने, फ्री 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 फ्री, 1 साल तक लोगों को इंटरनेट का नशा करवाया, नशा करवाया, फ्री में देखे, पिक्चर देखो, वेब सीरीज देखो, ये करो वो करो, इंटरनेट लो हमसे, हम 4G दे रहे, 5G दे रहे, ये कर रहे वो कर रहे। लोगों ने भी पागल जैसा उसके अंदर, सुबह उठा तो गुड मॉर्निंग मोबाइल से होता है, रात को गुड नाइट मोबाइल से होता है, दिन भर हाथ में मोबाइल ही मोबाइल। मोबाइल के बिना लोग जी नहीं सकते। 15 मिनट के लिए इंटरनेट का कनेक्टिविटी उड़ गया तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे एकदम अधीन हो गए हैं लोग, खेलना भूल गए ग्राउंड पर। यस माय डियर फ्रेंड्स, और इंडिया में तो ये हालत है कि इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो फ्री में कुछ भी दिया तो बिंदास लेते हैं। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, फ्री बोला तो उधर लाइन लगता। कभी कभी तो तुम देखना कि बाई चांस तुमने अगर है ना चूहा मारने का दवा फ्री में बांटने का लिया तो भी लोग लाइन लगा के लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बोलेंगे घर पे चूहा तो मार सकता है। कुछ भी बांटो, जहर भी बांटा तो लोग लेंगे, हाँ काम रहे ना रहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडिया में सक्सेसफुल होना है तो उतना तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। अभी अंबानी ने क्या किया, फ्री में गांव गांव में बांट के लोगों को इंटरनेट बांटा। अब बोलता है 350 रुपया महीना भरो तो आपको प्लान देगा। अब उसने बड़े बड़े वोडाफोन या जो एग्जिस्टिंग मार्केट में प्लेयर से उनको उड़ा दिया है। अब वो अकेला है, मोनोपोली बिजनेस में आ रहा है वो, और ये बहुत डेंजर है। कल चल के उसने बोला 1000 रुपया रिचार्ज,
तुमने बाकी सब कंपनी को बंद करवा दिया भाई साहब, ने 1,000 बोला तो 1,000 रुपया, और आदत लगा दी है। ये कोकीन से भी डेंजर ड्रग है इंटरनेट, इसके बिना काम नहीं चलता। सो माय डियर फ्रेंड्स, फ्री सैंपल बांटो तो एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है। वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज फ्री सैंपल्स, नॉट ओनली इन जियो और मोबाइल नेटवर्क। आपको मालूम रहेगा या नहीं आई डोंट नो, इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मा कंपनीज में देर आर पीपल हु आर कॉल्ड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, MR बोलते हैं। सुना है कि आप लोगों ने, हैव यू हर्ड अबाउट MRs? ये क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और कंपनी के तरफ से सैंपल देते हैं, क्योंकि डॉक्टर को वो कब पर्टिकुलर दवाई कैसा असर करता है मालूम तो पड़ना चाहिए। माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज डन ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, ऑफिशियली फ्री में सैंपल्स देते हैं। सैंपल देके अगर उसका असर अच्छा हुआ तो फिर वो आगे प्रमोट किया जाता है। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मतलब क्या कि अगर ओनर के घर पे उसको जरूरत पड़ा कोई गुड्स तो वो दुकान से अपने आप ले सकता है। तो ये सारे आइटम्स रिलेटेड टू गुड्स अकाउंट है, और ये सब क्योंकि गुड्स से संबंधित है ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड करता है। सबको समझा क्या यहाँ तक दोस्तों? टू एवरी वन अंडरस्टैंड क्लियर? कल ही हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात किया था, तो वो जो था वो पूरा का पूरा यहाँ पर एप्लीकेबल है। आइटम्स विच आर व्हाट इज कॉल्ड एज रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मैं तो सिर्फ कॉपी करने वाला हूँ, वापस टाइप भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ही सेम एप्लीकेबल है। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। इतना रिकॉर्ड करोगे आप तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, इतना इंफॉर्मेशन लेकर इफ आई प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ विल अ ट्रेडिंग अकाउंट लुक लाइक? अटेंशन वेरी केयरफुली, आई विल गिव यू स्मॉल स्मॉल टिप्स। अब जिन्होंने जूना जूना वीडियोस देखा है, मेरे कुछ वीडियोस सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, और हम लोगों ने क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चन सॉल्व किया है विच इज ओनली रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। किसी ने देखा होगा तो याद होगा, ठीक है? तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आज देखते हो तो एकदम पक्का दिमाग में बैठ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त एक बात याद रखना, फाइनल अकाउंट्स इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हेन इज फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड? ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ईयर, इसीलिए इसमें डेट कॉलम नहीं होता। क्या नहीं होता इसमें? डेट कॉलम। अच्छा, रुपीस का दो कॉलम होता है, ये होता है इनर कॉलम, पहला वाला जो होता है वो होता है इनर कॉलम, और दूसरा वाला होता है आउटर कॉलम। क्या है सर इनर कॉलम आउटर कॉलम? हमारे लिए मेन आंसर जो है ये आउटर कॉलम ही है। हमारे लिए मेन आंसर ये कौन सा कॉलम है? हमेशा आउटर कॉलम में हाईलाइट कर रहा हूं, दिख रहा है सब लोगों को? इनर कॉलम एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए होता है। एडजस्टमेंट क्या है आएगा तभी मैं उसके बारे में डिस्कशन करके दूंगा। इनर कॉलम में छोटा मोटा प्लस माइनस करने के लिए यूज होता है, बाकी उसका उपयोग कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा शुरुआत होता है बाय राइटिंग ओपनिंग स्टॉक। क्या लिख के होता है? हमेशा ओपनिंग स्टॉक। दूसरे लाइन में हमेशा पक्का गारंटी आएगा वो है परचेजेस। राजू सिंह राजपूत, आपको माइक बंद करना होगा, थैंक यू। लेस परचेज रिटर्न, अभी देखो एडजस्टमेंट जैसा आ गया, मिनर कैलकुलेशन आ गया। ओपनिंग स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं था, ओपनिंग स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा आउटर कॉलम में आएगा, लेकिन परचेजेस और परचेज रिटर्न ये हमेशा इनर कॉलम में आएगा, क्योंकि हम लोग छोटा कैलकुलेशन कर रहे हैं। और एक बात समझ लो, बीके करते वक्त माइनस करना है, जैसे मैक्स में माइनस साइन है वैसा बीके में ब्रैकेट है, माइनस साइन के बदले में इधर क्या है? ब्रैकेट। और इनर कॉलम से आउटर कॉलम जाते वक्त हमेशा अंडरलाइन करके आउटर कॉलम में लिखने का। बोलो, रूल्स सब लोगों को समझा क्या? दो रूल्स बताया मैंने,
इनर कॉलम कोई भी आइटम में कुछ भी ऐड या लेस करना है तो इनर कॉलम में करना है, और माइनस करते वक्त ब्रैकेट लिखना है, इनर कॉलम से बाहर आते वक्त अंडरलाइन करके आना है, डिस्पाइट ऑफ रुपीज समथिंग त्रिशास। जस्ट लेट मी गो बैक टू द मैसेजेस, वन सेकेंड। या डिस्पाइट ऑफ रुपीज वी कैन राइट अमाउंट और वी हैव टू राइट रुपीज ओनली। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन त्रिशा। देखो मैं मेरी बात करूंगा, तुम्हारी बात बाद में करते हैं। एज ए पर्सन आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि आई विल नॉट लीव माई कंट्री एनी टाइम इन माई लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ सर्विस। दिस इज माई ओन, मतलब कुछ लोगों का पागलपन रहता है ना, तो मैं भी थोड़ा पागल हूँ देश के लिए, मेरे को देश के लिए करने को अच्छा लगता है। यू कैन राइट अमाउंट, फर्स्ट आंसर इज यू कैन राइट अमाउंट। टेक्स्ट बुक में सब जगह पे अमाउंट लिखते हैं, लेकिन भारत देश में अमाउंट ट्रांजैक्शन किस में होगा? रुपीज में ही होगा। तो मेरे टीचर ने मेरे को ये सिखाया और मेरे को ये बात दिमाग में फिट हो गया, मैं रुपीज ही लिखता हूं। क्योंकि मैं बोला ना, मेरा पक्का बात है कि मैं देश छोड़ के जाने वाला नहीं है। अगर दुनिया में किसी को मुझको आके मिलना है तो कल्याण आना पड़ेगा। कल्याण ईस्ट में मैं चिंचपाड़ा रोड पे बैठा हूँ, मेरे घर पे सबका स्वागत है। अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर को भी आना है तो आ सकता है। तो मेरे सारे ट्रांजैक्शन रुपीज में होंगे, ये मेरे को क्लियर है। अभी आप लोग का भरोसा नहीं है, कल आप यूएस जाओगे, यूके जाओगे, तो वहां का आपका अगर रुपीज लिखना है या वहां का करेंसी लिखना है तो यू कैन राइट डॉलर्स, यू कैन राइट पाउंड्स, यू कैन राइट एनी अदर करेंसी एज दैट। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज रुपीज रिप्रेजेंट्स अमाउंट्स इन इंडिया, सो आई राइट रुपीज। You as a student can write amount, or if you have the same patriotic feeling, हम लोग देश के लिए लड़ तो नहीं सकते लेकिन कॉलम में रुपीज जरूर लिख सकते, है कि नहीं? हर चीज का कारण है, हम लोग जो करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ हर चीज का कारण है। ओंकार कधी पण येऊ शकतो माझ्या घरी, चहा पाजू शकतो मी, माझी तेवढी ताकत आहे, क्लासला आलास तरी तुला मी चहा पाजणार। ओके, वेलकम वेलकम, ग्रेट। तो अपने को बहुत काम है दोस्तों, आज मेरे को P&L अकाउंट तक कम से कम पहुंचना है। लेट अस फिनिश दिस ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों ने क्या बोला, गुड्स से रिलेटेड ओपनिंग स्टॉक परचेजेस हो गया, वैसा क्रेडिट साइड में हमेशा आएगा बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स। अब मेरे को बताओ मैं कौन से कॉलम में लिखूं, आउटर कॉलम या इनर कॉलम? सेल्स में से मेरे को सेल्स रिटर्न लेस करना है, विच कॉलम शुड आई राइट द अमाउंट? यस, वेरी गुड करण, इट शुड बी रिटर्न इन द इनर कॉलम, क्योंकि मुझे लेस करना है। लेस करना है तो आई हैव टू यूज माय ब्रैकेट। इनर कॉलम से आउटर कॉलम में जब जाएंगे तो हम लोग वी विल राइट अंडरलाइन करके लिखेंगे। आई होप थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर, सिंपल टू अंडरस्टैंड। जब आप बड़ा क्वेश्चन कर रहे थे तो आपको बहुत टेंशन आता था, बट अभी ऐसा छोटा छोटा पार्ट देखोगे तो यू फील हो क्या, अरे तो ऐसा ही था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। और एक खास बात ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, और एक शॉर्टकट बता के रखता हूं मैं आपको, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को अगर आप देखोगे तो दोनों में एक कॉमन थिंग है, बिजनेस में गुड्स आ रहा है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है। 11th का अगर आपने वापस लेक्चर देखा है तो गुड्स अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, देयरफोर ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस आर डेबिटेड, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक आर क्रेडिटेड। आई होप दैट एड्स वैल्यू टू योर नॉलेज। तो अगर मैंने आपको ये नॉलेज दिया है तो मुझे बताओ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स distributed as free samples, or goods withdrawn for personal use, ये आपके हिसाब से trading account के debit में आएगा कि trading account के credit में आएगा? Yes, because तीनों में वही बात है कि goods are going out, simple है ना एकदम, by heart कुछ नहीं करने का दोस्तों।
सो अगर आया गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या आया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, या आया गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये सब जब भी आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही आएगा। और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोगों ने जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखे, आपको क्या क्या नाम याद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर ही वैसा दिख रहा है, फिर वो वेजेस हो या कैरेज इनवर्ड्स हो या रॉयल्टी हो या फिर इट कैन बी फैक्ट्री लाइटिंग और इट कैन बी कोल गैस एंड वाटर, आपने सुना है सब शब्द, या इट कैन बी पावर एंड फ्यूल। एवरीथिंग विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड सिंस इट इज अ एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट का रूल आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए वो डेबिट होता है। हर एक का कारण है, मैं फिर बोलता हूँ, हर एक का कारण है। अकाउंट्स में कोई भी चीज जो है वो ऐसे ही नहीं किया जाता। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स है। सेल्स बचपन से हम लोगों ने हमेशा सीखा है, कितना भी पढ़ा लिखा या अनपढ़ इंसान होने दो, वो 10 रुपए का चीज खरीद के लाया तो बेचते वक्त अगर वो दुकान चलाता है तो 12, 15, 18, 20 रुपए में बेचेगा। वो कॉस्ट प्राइस से कम में बेचने वाला नहीं है, हमेशा बिक्री कीमत ये नेमी खरीदी कीमत पेक्षा जास्ता। इसीलिए आप देखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में 99.999% क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होता है, और जो डिफरेंस इसका सबका टोटल लेके माइनस करने का और जो डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड। तो कैसा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का सब लोगों को समझा क्या, क्या क्या लिखने का, इज आइडिया क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? सिंपल, तो जैसे अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सीखा, अगले 10 मिनट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी सीख के लेते हैं, और आज का लेक्चर वी विल स्टॉप देयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करने का? नाउ दिस इज वेरी इजी फॉर यू बिकॉज यू हैव लर्न दिस यस्टरडे। आज सिर्फ एक तरीके से ग्रॉस कैसे आया फिर से रिपीट करो ना, कैलकुलेशन है ना, करन प्लस माइनस करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट का टोटल लेना है, पहले टोटल लेके डेबिट का टोटल लेके माइनस करो, जो बचेगा वो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है। और उसमें मैं क्या बताऊं, हाँ डिफरेंस। ओके इट्स वेरी इजी, सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन अकाउंट, माय डियर फ्रेंड, Why do you prepare profit and loss account? The answer is very simple. A profit and loss account is prepared, yes, to calculate net profit or net loss. Attention carefully. मैंने बहुत क्लियरली बोला है, ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आने का चांसेस 100% रहता है, लेकिन उसके आगे का खर्चा आदमी कितना करता है ये उसको कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है, इसीलिए बिजनेस में उसको कभी नेट प्रॉफिट होता है और कभी नेट लॉस होता है। हम लोग कभी प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हाट डू यू रिकॉर्ड? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉमा लॉसेस कॉमा इनकम्स एंड गेन्स are recorded. Now this is very easy for you because yesterday you have learned क्या क्या होता है indirect expenses. I just have to bring that indirect expenses क्या क्या है करके. So indirect expenses के बारे में इतना जितना example अपन ने देखा
उस सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। इसके अलावा लॉसेस क्या है ये भी कल हम लोगों ने देखा, लॉसेस का एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने लिखा, तो सारे के सारे लॉसेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। इसलिए मैंने कल ही बैकग्राउंड तैयार करके आपको भेजा था, अगर आपने पढ़ा होगा तो एकदम इजी काम है आज का। और क्या बोला, इनकम्स एंड गेन्स, वो भी हमारे पास रेडी है। इनकम्स एंड गेन्स क्या क्या हो सकते हैं बिजनेस में, सो इनकम्स एंड गेन्स क्या है वी हैव रिकॉर्डेड देयर आल्सो। अब नॉमिनल अकाउंट का सीधा रूल अप्लाई करने का, क्या रूल है वो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर मैं वो अप्लाई करूँ तो हमारा प्रोफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार हो जाएगा। व्हाट विल प्रोफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लुक लाइक, अगेन पेज को हाफ में फोल्ड करना है, कभी भी याद रखना डेबिट क्रेडिट शुड बी इक्वल हमेशा, इसलिए पेज को हाफ में फोल्ड करना है। यू कैन राइट इन टू द मार्जिन्स, मार्जिन के अंदर आप लिख सकते हो, बीके में चलेगा, अलाउड है, इवन बोर्ड में चलता है वो। तो पर्टिकुलर्स यहाँ पर भी रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, वो ब्रॉट फॉरवर्ड किया जाएगा, क्योंकि ये सब कंटिन्यूड सीरीज में होता है मेरे दोस्तों। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था, हमने लिखा था टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड, वो यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब आगे लेके आना, ठीक है। जैसे जिंदगी में हम लोग सब लोग क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं, एक चीज सबके घर पे हुआ रहेगा, सोचो आज रात को मम्मी ने खाना बनाया, रोटी थी, राइस था, दाल था, सब था, सबका खाना होने के बाद थोड़ा राइस बच गया, मेरे को बताओ तुम्हारे घर पे क्या करते हैं वो राइस के साथ में, फेंक देते हैं या उसको फ्रिज में रखते हैं। हाँ वेरी गुड, सुबह सुबह फ्राइड राइस खाने को मिलता है अपने को नाश्ते में, परफेक्ट वेरी गुड। तो कल का क्लोजिंग स्टॉक आज का क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक बन गया, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो कल जो कैरी फॉरवर्ड किया था ट्रेडिंग अकाउंट से, आगे खोखो जैसा ढकल कर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके आया गया कैरीड फॉरवर्ड। अब टेक्स्ट बुक में वो लोग सीडी और बीडी लिखते, कैरीड डाउन ब्रॉट डाउन, पुढे घेतलं आणलं पुढे, मैं उसको फॉरवर्ड लिखता हूं, क्योंकि डाउन, सोचो आपने ट्रेडिंग अकाउंट एक पेज में बनाया तो कैरी डाउन क्या जमीन पे लिखोगे क्या, नहीं, तो वी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है। परत बीडी ऐकायला चांगला नाही वाटत, है ना, ब्रॉड फॉरवर्ड है ना, बीएफ ऐकायला जरा चांगलं वाटतं, सो वी यूज सम सोफिस्टिकेटेड लँग्वेज, सो कॅरी फॉरवर्ड अँड ब्रॉड फॉरवर्ड। जोक्स अपार्ट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, वहां पर जो आया वो हम लोग लिखते हैं। इज इट क्लियर? नाउ ऑल अवर एक्सपेंसेस व्हाट एवर वी लर्न, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कल अपन ने जो लिखा था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सैलरीज, स्टेशनरी, याद है आप लोगों को, ऊपर ही मैं देख के लिख रहा हूँ, रेंट, टैक्सेस, सबको दिख रहा है क्या, रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, या फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस, या फिर ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस, इंटरेस्ट पेड, इंश्योरेंस, है ना, एडवर्टाइजमेंट, या फिर कैरेज आउटवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग, आउटवर्ड रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका सीक्वेंस थोड़ी रहता है सिमरन, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है जो रहेगा, ये तो अपन एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसलिए ऐसा है, पूरा एक के बाद एक लिख रहे, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। डिस्काउंट अलाउड, और क्या था रे, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउड, और तीसरा कौन सा लॉस था,
डिप्रिसिएशन, लॉस बाय फायर, दिस आर जस्ट एग्जांपल्स माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, एडवर्टाइजमेंट ही है ना, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा और क्रेडिट साइड में आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब जो चीज रहेगा वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। X represents any amount. Okay, I think here I will have to delete it. यहाँ पर भी आएगा। अब बस जैसा ट्रेडिंग अकाउंट में किया, अब इसका भरोसा नहीं है कि कौन से साइड का टोटल ज्यादा होगा। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा रहा, मतलब इनकम ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है, तो जो डिफरेंस बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड। यहां पर आज मैं मेरा लेक्चर स्टॉप करूंगा, ये मैं आपको वापस आई विल सेंड यू इन द ग्रुप एंड देन वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमॉरो। जितना मैंने आज बात किया इसमें किसी को कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी नाउ सो दैट आई कैन एड्रेस टू इट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने दो अकाउंट कवर किया है। कल हम लोग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट और बैलेंस शीट ये कवर करेंगे।